द एग अपराटस इज मेड अप ऑफ तो एक अपेराटस बना होता है सिनर्जीट एंड एक्सेल से और वो माइक एम्ब्रियोसाइक के जिस इंड पर होता है वो होता है माइक्रोपाइलर एंड वेन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट द प्लांट इज सेट टू बी कि अगर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में है तो ऐसे कंडीशन में प्लांट को बोलते हैं मोनोइसियस ए टिपिकल एनजियोज परमी कैंसर इज डाई थीकस विच मीन्स दैट इट इज डायरेक्ट एंसिली लाइन का क्वेश्चन है कि एनजीओस परमिक डाइथिकस है तो इसका बेसिक मतलब है कि उसके पास टू लोब है लोब्ड एंड ईच लोब है टू ठीका पॉलिन एंटाइन इज मेड अप ऑफ पॉलिन ग्रेन की एंटाइन लेयर नॉर्मल सलोज एंड पैक्टिन की पॉलिन ग्रेन लूज दियर वायबिलिटी विद इन थर्टी मिनट्स ऑफ दियर रिलीज इन व्हीट के, के केस में द पिस्टिल ऑफ पेपेवर इज पेपेवर की पिस्टिल मल्टी कॉलपेलि सिन कार्पस द एक्वेटिक प्लांट इन विच पॉलीनेशन इज नॉट कैरीड आउट बाई वाटर तो ये बेसिकली एक्सेप्शन है वाटर लिली डायोसी इन प्लांट प्रिवेंट कि अगर प्लांट डायोसियस है तो उसमें आटो गैमी भी नहीं होगा एंड जेटोगेमी भी नहीं होगा बोथ आर प्रिवेंटेड इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनी सेक्चुअल फ्लावर कि अगर कोई फीमेल पेरेंट है और उसके पास यूनिसेक्चुअल फीमेल फ्लावर्स हैं तो उसको इमेस्कुलेशन की नीड नहीं होगी क्योंकि इमेस्कुलेशन होता है रिमूवल ऑफ एंथर और इसके पास एंथर है ही नहीं द सेंट्रल सेल इन द एम्ब्रियो सैक आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है एन का कि एम्ब्रियो सैक में सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन जनरली इसमें डाउट जाता है इंडोस्पम में बट करेक्ट आंसर है प्राइमरी इंडोस्पम सेल एंड इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो होता है पेन प्राइमरी इंडोस्पम न्यूक्लियस

ईपी कोटाइल हैज़ ए सूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्रीमोडियल इनक्लोस्ड इन ए हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर तो उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है कि पी के ऊपर फोली लीफियस स्ट्रक्चर कोलियोप्टाइल जेनेटिक सेल्फ इनकोम्पेटेबिलिटी टेंस टू इंक्रीज सेल्फ इनकोम्पटेबिलिटी से बेसिकली इंक्रीज होता है आउट क्रॉसिंग इफ ए फ्लावर टू बी पॉलीनेटेड बाई मॉथ इट्स शुड बी सेंटेड इन द मोरोस्पोरिक किम्बरियो सेक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट गेट सराउंडेड बाई सेल वॉल एंड दस आर ऑर्गेनाइज इन टू सेल इज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सी आर टी का किम्बरियो सेक के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट गेट सराउंडेड बाई सेल वॉल जो कि सेल वॉल से सराउंड होते हैं तो ये बेसिकली एंटी पोडल की सेल थ्री एंड एक एपेराटस की सेल थ्री तो करेक्ट आंसर आ गया सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ए बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट ए बायोटिक ए बायोटिक दो होते हैं एयर एंड वाटर उसमें भी सबसे मोस्ट कॉमन होता है एयर मानी वाइन्ड द एसेक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ सी डिज क्वाल्ड एज एसेक्चुअल प्रोडक्शन एपोमिक्सिस फीमेल फ्लावर रिमेन सम मस्ट इन वाटर एंड द पॉलिंग ग्रीन आर रिलीज इन साइड वाटर डायरेक्ट एनसीआरटी लाइन सी ग्रासेस के केस में द ओव्यूल ऑफ एन एनजीओ स्पर्मिक टेक्निकली इक्वेलेंट टू ओव्यूल इक्वेलेंट होता है मेगा एस्पोरेंजियम के विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पॉलीनेटर बट इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी क्या ऑटोगेमी की सिमिलर है बट इट मे बी रिक्वायर पॉलीनेटर ते केस होता है जितनोगेमी का फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल टू इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इन टू इन फ्लोरसेंस आर यूजली पॉलीनेटेड बाई ये फीचर से an है वाइंड पॉलिनेशन एनिमोफिली फंक्शनल मेगा स्पोर इन एन एनजियोस्पर्म डेवलप इनटू। फंक्शनल मेगा स्पोर फाइनली फॉर्म करता है सैक। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट कोकोनट का एडिबल पार्ट एंडोस्पर्म अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर बेसिकली इंडोमोफिली इंसेक्ट पॉलिनेशन का फीचर दिया हुआ है पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाई एजेंसी ऑफ तो ये बेसिकली वाटर में रहते हैं बट नॉट पॉलीनेटेड बाई वॉटर पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट और वाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कौन सा इसमें से सही नहीं है एग्जाइन ऑफ पोलिंग ग्रीन इज मेड अप ऑफ स्पोरो पोलिन सही स्टेटमेंट है पोलिंग ग्रीन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉजे सेविर एलर्जिक सही है स्टोर्ड पोलिन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम सही स्टेटमेंट है टेपिटम हेल्प्स इन डेसेंस ऑफ एंसर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है टेपिटम बेसिकली नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पॉलिन सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ तो सीड फॉर्मेशन की उस प्रोसेस को एपोमिक्सिस फिलीफॉर्म एपरटस इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेसिकली फिलीफॉर्म एपैरटस में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड टू एनिमल पॉलीनेटर इंटोमोफिली के केस में सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड किस चीज़ के लिए मिलता है तो बेसिकली है नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन जिटनो इन्वॉल्व अब डायरेक्ट इसमें जिटनो की डेफिनेशन पूछी गई है तो जिट्नो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंसर टू स्टिकमा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा फर्स्ट पोलिन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर तो पोलिन टैबलेट सप्लीमेंट फूड फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्मस इज टू फिलीफॉर्मेपेटस सिंपल फंक्शन गाइड द एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब नॉन एल्युमिनस सीड तो नॉन एल्युमिनस बेसिकली डाइकॉट के सीड लाइक पी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड इन टाइन रॉन्ग स्पोरोजिनस टिश्यू हेफ्लाइड नो डिप्लाइड होते हैं इंडोथीशियम प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर नो टेपिटम नरिश द डेवलपिंग पॉलिन ये स्टेटमेंट चाहिए इवन इन दबसेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एस्योर्ड इन कि अगर पॉलीनेटिंग एजेंट नहीं है कोई भी तब भी सीड सेटिंग एकदम कन्फर्म होगा कि सीड बनेगा ही तो वो केस होता है स्पेशल केस क्लिस्टोगेमी का और क्लिस्टोगेमी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉमेलिना वाइल्ड पॉलिनेशन इज कॉमन इन ग्रासेस न्यूसिलर पॉली इंब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ साइट्रस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनेशन इज आटोगेमिस डायरेक्टली पॉलीनेशन आर्टोगेमस है नो ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट एपोमेक्टिक इम्ब्रियो इन सिट्रस राइज फ्रॉम तो सिट्रस में एपोमेक्टिक इंब्रियो का फॉर्मेशन न्यूसिलस या इंटीग्यूमेंट से होता है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मेटर्नल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ऑब्यूल वाइन्ड पॉलीनेटेड फ्लावर्स आर फीचर्स दिए हुए हैं कि वाइन पॉलिनेटेड फ्लावर्स के फीचर क्या हैं स्मॉल फ्लावर्स होते हैं प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलिन ग्रेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर हैपलॉयड तो हेपलॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्सल एंड एंटी पोडल दोनों हेपलॉयड होते हैं यूनिसेक्चुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट कि अगर यूनिसेक्चुअलिटी है तो किसको प्रिवेंट करेगा यूनिसेचुअलिटी ऑफ फ्लावर जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कैस्टर एंड मेस की मोनोसियस हैं लेकिन यूनिसेक्चुअल फ्लावर हैं इसके पास तो इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जेटनोगेमी तो करेक्ट आंसर जाएगा कि प्रिवेंट ऑटो बट नॉट जेटनो गैमी डज द फ्ली फॉर्म डू एट द एंट्रेंस द ओव्यूल तो फिलीफोमप्रेटस बेसिकली काम करता है एंट्री ऑफ पॉलिन टू इंटू सिनरजेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन पॉलिन एक्जाइन मेल गैमिट एंड एंजियो एस्पर्म आर फॉर्म्ड बाई डिविजन ऑफ जनरेटिव सेल व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ एल्यूरोन लेयर इन ए प्लांट स्पीसीज विद एट क्रोमोसोम्स इन एट सिनरजेड जिट के पास अगर एट है तो सिनरजिट है एन इक्वल टू एट एन एल्यूरोन लेयर में पूछा गया है एल्यूरोन लेयर ट्रिप्लॉयड होता है थ्री एन इक्वल टू ट्वेंटी फोर पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई ठीक है टोमेटो फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है ट्रीटिंग विद लो कंसनट्रेशन ऑफ जिब्रैलिन एंड ऑक्सीजन द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल इम्रियोसेक इन डाइकॉड प्लांट तो नॉर्मल अरेंजमेंट होता है थ्री टू थ्री अपर थ्री इस तरीके से अरेंजमेंट होता है एंटीपोडल एगापैर एंड सेंट्रल सेल इन एनजीओस पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा एस्पोरजेनेसिस दोनों के बारे में कॉमन क्या है कह रहे हैं कि दोनों एंसर में होते हैं नो फॉर्म गेमिट विदाउट फर्दर डिवीजन नहीं आगे गैमिट के लिए भी डिवीजन की जरूरत पड़ती है अकर इन ओव्यूल नहीं इनवॉल्ड म्यूसिस ये स्टेटमेंट दोनों के लिए कॉमन है कि दोनों के लिए म्योसिस की रिक्वायरमेंट होती है लॉन्ग फिलमेंटस थ्रेड प्रोड्यूसिंग एट द एंड ऑफ यंग कॉब ऑफ मेज ये बेसिकली मेज के जो रेसे होते हैं बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसकी स्टाइल को फ्लावर्स आर यूनिसेक्चुअल इन डायरेक्टली का कम्बर कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इस तो कोकोनट का वाटर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेल गमिटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस तो मेल गैमेटोफाइट बेसिकली इंडो में इसके पास टू स्पम्प होते हैं एंड वन वेजिटेटिव सेल होती है पेरी स्पर्म डिफर फ्रॉम इंडो स्पर्म इन तो पेरी स्पम बेसिकली न्यूसेलस का परसिस्टेंट पार्ट है एंड इंडोस्पम्प ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है तो बींग ए हैप्लॉयड टिश्यू गलत हैविंग नो रिजर्व फूड नो बींग ए डिप्लॉयड टिश्यू ये स्टेटमेंट सही है कि पेरी स्पम जहाँ डिप्लॉयड है वहीं इंडो स्पम ट्रिप्लॉयड है पोलिंग ग्रेन आर शेड एट विच स्टेज तो पोलिंग ग्रीन यूजली टू सेल बट समाइम थ्री सेल स्टेज विच ऑफ दिस इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर डिप्लॉयड कौन सा है मेगा इस फोर मदर सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉल्स फ्रूट इन एन एप्पल इज फॉर्म्ड बाई तो एप्पल में फॉल्स फ्रूट थैलेमस रीजन से क्रॉस पॉलिनेशन इन ट्रू जेनेटिक सेंस तो क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली एलोगेमी इन अदर नेम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न अकर किसके फॉर्मेशन में फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न की रिक्वायरमेंट होती है एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व अब इसमें डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन दी हुई है डबल फर्टिलाइजेशन एज यू नो एग सेल प्लस मेल गेमिट का फ्यूजन एंड सेंट्रल सेल के अंदर टू पोलर न्यूक्लियाई का मेल गेमिट के साथ में फ्यूजन तो करेक्ट आंसर चला जाएगा ये नो टू एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता बेटा ये फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड सेंट्रल सेल बाय टू स्पर्म ब्रॉट अबाउट बाय सेम पॉलिन ट्यूब एक फोर्थ इवन आफ्टर किलिंग द जनरेटिव सेल विद ए लेजर बीम द पॉलिंग ग्रेन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस नॉर्मल पॉलिट ट्यूब बिकॉज कि अगर हम जनरेटिव सेल को लेजर बीम से किल कर देंगे तो उसके बाद भी नॉर्मल पॉल पॉलिन ट्यूब बनाएगा उसके पीछे क्या रीज़न है तो मेन ये रीज़न है कि जनरेटिव सेल को आपने किल किया है जबकि पॉलिन ट्यूब वेजिटेटिव सेल बनाता है तो वेजिटेटिव सेल हैज नॉट बीन डैमेज विच वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एम्ब्रियोसेक इन फ्लावरिंग प्लांट मोस्ट कॉमन इम्ब्रियोसैक मोनोस्पोरिक जो कि सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लिएटेड होता है इफ ए स्टॉक हैजू इक्वल टू फोर्टी एट एंड सी ऑन टू एंड एक फोर द रूट सेल एंड माइक्रोस्पोर विल हैव क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली तो इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि ग्राफ्टिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है कि ग्रैफ्टिंग में जो भी पार्ट ज़मीन के अंदर रूट पार्ट की तरह बिहेव करता है वो होता है स्टॉक और जो भी पार्ट इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है वो होता है सी अब इन्होंने ग्रे स्टॉक में दिया है टू एंड इक्वल टू फोर्टी एट तो इसका मतलब इससे रूट सेल बनेगी वो भी डिप्लॉयड रूट सेल भी डिप्लॉयड तो रूट सेल में नंबर आ जाएगा फोर्टी एट अब पूछा है माइक्रोस्पोर तो माइक्रोस्पोर आपका बनेगा सी रीजन से सी रीजन टू एंड इक्वल टू ट्वेंटी फोर जबकि माइक्रोस्पोर होता हैप्लॉयड ट्वेंटी फोर बाई टू ट्वेल्व फिदरी स्टिग्मा बिलोंग्स टू फिदरी स्टिग्मा व्हीट में इन सम सीड रेमनेट ऑफ न्यूसेलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज तो उस परसिस्टेंट न्यूसेलस को बोलते हैं पेरी स्पर्म ए टिपिकल एंजियो स्पर्म बाइलोब्ड एंड डाइथिकस एंथर कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी थीका अगर नॉर्मल बाइलोब्ड डाई थिकस एंथर है तो उसके पास कितने थीका होंगे फोर वट इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब ऑफ एनजीओज परमी कैंसर नॉट बोथ लोब ईच लोब तो ईच लोब में टू माइक्रोस्पोरेंजिया विच एमंग द फॉलोइंग इज अटैच टू द प्रॉक्सिमल इंड ऑफ फिलामेंट डायरेक्ट एनसीआर टी लाइन का क्वेश्चन करेक्ट आंसर पेटल पेटल अटैच टू प्रोक्सीमल इंड ऑफ फिलामेंट विच एम द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कौन सी वॉल लेयर नहीं है न्यूसेलस हाउ टेपिटल सेल बिकम बाई न्यूक्लिएटेड तो टेपिटल सेल का वो डिविजन होता है इंडोमाइटोसिस क्रायो प्रिजर्वेशन इज़ ए टेक्निक टू प्रिजर्व सब्सटेंस लाइक पॉलिन ग्रेन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट टेम्परेचर तो हम सबको पता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए वो टेम्परेचर होता है माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम इस हिसाब से जाएंगे तो हमें लगेगा कि करेक्ट आंसर है माइनस टू टेन जो कि इसके नियर बाई आ रहा है लेकिन जब हम इसे कैलविन और सेल्सियस के फार्मूले में रख के चेक करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सेवेंटी केल्विन पॉइंट वन फाइव जो कि इक्विवेलेंट वैलेंट है माइनस वन सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन बाई सेक्चुअल फ्लावर विच ऑफ द सीक्वेंस इज करेक्ट कौन सा सही है सबसे पहले आपने इमास्कुलेसन किया एंथर को हटाया इसके बाद आपने बैगिंग किया देन क्रॉस पॉलिनेशन एंड फिर से उसको ढक दिया रीबैगिंग। बैगिंग विच आर द एक्सटर्नल कंडीशन रिक्वाड फॉर सीड जर्मिनेशन तो सीड जर्मिनेशन के लिए नॉर्मल लाइट ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग विल लूज इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इफ फ्रूट आर प्रोड्यूस थ्रू पार्थिनो कार्पी कि अगर पार्थिनो कार्पी से हम फ्रूट बनाएंगे तो इनमें से कौन सा अपनी वैल्यू खो देगा तो पार्थिनो कार्पिक का और फ्रूट आर सीडलेस इसमें से आएगा पोमन के नेट विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है टू थाउजेंट ईयर ऑफ बाइबल सीड फोनलेक्स डैक्टीरिया फरा सही है डिस्कवर ड्यूरिंग आर्क्योलॉजिकल एक्सटेवेशन ऑफ किंग हर्ड पैलेस नियर डेड सी पूरा एन सी आर टी का स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट रिकॉर्ड ऑफ टेन थाउजेंट ईयर ऑफ डॉरमेंसी ऑफ सीड हैज़ बिन इस्टीमेटेड इन ल्यूपनस आर्टिकस बिल्कुल सही स्टेटमेंट एन सी आर टी का द नंबर ऑफ सीड इन ईच फ्रूट इन केस ऑफ ऑर्किड एंड सम पैरासिटिक फॉर्म लाइक ओरोबैंके एंड स्ट्राइगा आर वन ये स्टेटमेंट गलत है कि ओरोबैंके स्ट्राइगा में नंबर ऑफ सीड वन बनते हैं मैनी सीड बनते हैं तो करेक्ट आंसर सी टू फॉर्म फुल्ली डेवलप्ड पॉलीगोनम टाइप ऑफ इम्ब्रियोसैक इन एनजियोसपर्म टोटल नंबर ऑफ मिओसिस एंड माइटोसिस डिवीजन जनरेशन रिक्वायर्ड अगर हमें फोर पॉलीगोनम टाइप ऑफ इम्ब्रियोसैक बनाना है तो आप पहले कैलकुलेट करिए कि एक अगर बनाना है तो एक इम्रोसाइट बनाने के लिए एक म्यूसिस एंड थ्री माइटोसिस इन मेगा और अगर फोर का फॉर्मेशन करना है तो फोर म्योसिस एंड ट्वेल्व माइटोसिस